हेलो एंड वेलकम टू ब्राउन वॉन्डरर्स गाइस। आज हम जाने वाले हैं सरोजिनी नगर मार्केट, और गर्मियां भी आ गई है दिल्ली में, तो यहाँ पे कलेक्शन भी नया नया आ रखा होगा। और एक और रीजन है मेरा वहाँ पे जाने का, क्योंकि हम जाने वाले हैं नेक्स्ट वीक एक ट्रिप पर। तो अभी मैं अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरवा रही हूँ, क्योंकि दिल्ली में 1 रुपए सस्ता हो गया है पेट्रोल। भाई ये बंदा आज भी लेट, मैंने अपनी स्कूटी खड़ी कर दी है पार्किंग में। अभी तब भी यहाँ पे इतनी भीड़ है नहीं, पैर रखने की जगह तो है कम से कम, पर मुझे लगता है शाम में बहुत होने वाली है। भाई ये बंदा अब आ रहा है 2 घंटे के बाद, मैंने वेट करा अंदर पूरा मार्केट घूम के। कहाँ ले आए हो ये, कहाँ ले आए हो, भीड़ देखो। भीड़ इतनी गंदी है यहाँ पे। आज सैटरडे है ना यार, क्या करते हैं, और ऑप्शन नहीं था हमारे पास। मैं 200 रुपए ऊपर देके शॉपिंग कर लूंगा, पर यहाँ यहाँ से डर लग रहा है मेरे को जाने में। सो इतनी बार्गेनिंग के बाद मोहित के लिए 2 टी-शर्ट हमने ले लिए हैं, शॉर्ट्स। खुश हो गया लड़का ये। हाँ सही मिल गई भाई, मैंने अपने मिंत्रा की कार्ट में डाली हुई है 2000 तो नहीं, हाँ अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपए की 2 शर्ट्स H&M की। लेकिन ये हमें 650 की 2 पड़ी है और अच्छी लग रही है। इसके तो सही मजे हो गए, इसने तो सारे ले लिए, यहाँ से भी ले रहा है, कलेक्शन तो बहुत प्यारा है। भैया वही वाला दे दो सिर्फ। भाई जो मैंने शर्ट्स लिए ना वो हर जगह है भाई, पटरियों पे भी मिल रही है। अब इसको लग रहा है इसने महंगे में ले ली, वो देखो 250 लिखा हुआ है, पर यार इसमें ना साइज इशू रहता है, जो आप लेके आए हो एक्सेल में है। इसकी लेंथ छोटी है जो इनके पास है, मेरे को मैंने ट्राई कर ली तो लेंथ परफेक्ट आ रही है। अब इसने खरीद लिया ना तो अपने आपको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भाई आपको मैं गोवा में दिखाऊंगा लुक अपनी। ओए मोहित ये लगवा लो मेहंदी, पता है पहले बचपन में ये लगवाया करती थी, बट प्रिंटिंग ब्लॉक प्रिंटिंग। हां नहीं आपको पता है ये सब, ये भी लगवाया करता था बचपन में। 3 साल करा है, नहीं मैंने काम करा है ब्लॉक प्रिंटिंग का। 3 साल में, 3 साल की उम्र के थे जब, कैसे मतलब आप उस काम को इतना टुच्चा बोल रहे हो कि एक छोटा बच्चा भी कर सकता है वो। नहीं मैं स्किलफुल बच्चा था बस ये कह रहा हूँ। गाइस हिमालिका को आपको पता है कि ये वाली आइसक्रीम पसंद है, ये वाली कोन वाली, तो इसको ये खाने मैंने का शेयर कर ले, बिल्कुल मना कर दिया इसने। नहीं टेस्ट तो करूँगा मैं, वो कचरा जो सामने वाले बंदे को कहता है मैं कुछ नहीं खाऊंगा, पर जब वो लेने था तो उससे टेस्ट कर लेता। वनीला वाला लिया मैंने, आप स्ट्रॉबेरी ले सकते थे इसका। नहीं मैंने एक नया वर्ड सीखा कचरा, रील में देखा था, मुझे इसका मतलब नहीं पता। ये वीडियो से कुछ चीज सीख लेगा और फिर वही बोलता रहेगा पूरे दिन। हमने प्रण लिया था मोमोज ना खाने का, पर हमारा मन ललचा गया इसकी खुशबू देख के, सूंघ के मतलब। ये 25 रुपए की 6 है। इतना सीरियस हो गए बता रहे हो, सस्ते हैं 25 रुपए के 6 वेज। 25 के 6 बहुत सस्ते हैं यार, ठीक है हम 100-150 रुपए के खाते हैं भाई, वो तो बहुत महंगे हो गए यार। तो भाइयों और बहनों हम निकलने वाले हैं अपनी पहाड़ वाली ट्रिप के लिए, दैट इज टू गोवा। और लास्ट टाइम हम गोवा गए थे हिमालिका के रिकमेंडेशन के हिसाब से, और उस टाइम मॉनसूनस थे, जहाँ भी हम गए थे वहाँ बारिश हो रही थी, जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा ही होगा। तो इस टाइम टू मेक थिंग्स राइट वी आर गोइंग इन द राइट सीजन होपफुली। चलो इस बार मैं आपको अच्छे से घुमाता हूँ, टेंशन मत लेना। पिछली प्लानिंग आपकी थी, पिछली वाली गोवा की ट्रिप की हेड वो आपके ऊपर जाएगी, इस वाली प्लान ये वाली प्लानिंग भी मेरी वाली प्लानिंग मेरी। मैंने पूरी आइटिनरी बनाई है, मैं भेज दूंगी स्क्रीनशॉट, बकवास मत करो। अभी ये क्रेडिट मुझे जाएगा क्योंकि मैं ले जा रहा हूँ। नहीं जब भी कोई अच्छी चीज होने वाली होती है ना इसको क्रेडिट चाहिए होता है। मॉनसून वाले सीजन में इसने बोला था वाओ गोवा चलेंगे, वो आपने बनाया था पूरा प्लान, इसने एग्री किया था, मैं जबरदस्ती तो नहीं ले गई ना इसको। अभी 4:30 की फ्लाइट है हमारी, तो इसलिए अब हम सबवे पे हैं, अभी है आधा घंटा वहाँ से हम निकलेंगे, पर हमें भूख लग रही है तो इसलिए। पैसे हम फ्लाइट वाले दे नहीं सकते थे फूड के, क्योंकि ना इतना ही अमीर है ना मैं, पूरी बना दिया यहाँ पे। गोवा एयरपोर्ट लैंड कर चुके हैं, GOI एयरपोर्ट में हमने लैंड किया, बैग्स हमने कलेक्ट कर लिए हैं, ये रहा प्रीमियम बैग, ये रहा छपरी बैग। प्रीमियम मेरा है, आपका छपरी है, कौन सी कंपनी का है? एलन सोली। ये बैग मेरे दादाजी ले जाते थे ऑफिस। नहीं आपका बैग इतना कॉमन है कि आपको कुछ लगाना पड़ गया उसमें, ये ब्लू कलर का धागा, ये धागा आप देख सकते हो गाइस, ये पेंडेंट है सलमान खान, और मेरे पास सेम है। सलमान खान पेंडेंट नहीं पहनता, वो स्टोन डालता है, स्टोन ही है एक तरीके से, पेंडेंट भी एक स्टोन होता है एक तरीके से, पेंडेंट भी स्टोन, ठीक है। मेरा बैग आप देख सकते हो शिवास कंपनी का है, 1 लाख का बैग है ये मेरा पूरा, मेरा 2 करोड़ का बैग है, आप आ जाओगे उतने में तो, नहीं 3.25 करोड़ का वो भी चल रहा है रेट। तो भाई गोवा में ना 2 एयरपोर्ट है, एक है GOI जिसपे हम उतरे हैं, इसको कहते हैं डाबोलिम एयरपोर्ट, सबसे फेमस है, दूसरा है GOX, उसकी फुल फॉर्म क्या है GOX गो पता नहीं जो भी है, पर उसको शॉर्ट में GOX कहते हैं, वो भी एक एयरपोर्ट है, तो आप वहाँ के बुक कर सकते हो। सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये GOI है, और यहाँ पे आपको कैब्स वगैरह टैक्सीज भी मिल जाएंगी बाहर इजीली, लेकिन स्मार्ट मूव इज़ कि आप टैक्सी वगैरह पहले से ही दिल्ली से ही बुक करके आओ,
ठीक है, मैंने जो बुक करी अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमने दिल्ली से प्री बुक करके आए थे ऐप के थ्रू, तो भैया खड़े हैं वहाँ पे, थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है क्योंकि जो भी आप टैक्सी पहले से बुक करते हो वो टोल के पास आती है और टोल यहाँ से एक मिनट की वॉकिंग है, तो वहाँ तक जाना पड़ेगा। गोवा में लैंड करते ही ना मछली की स्मेल आने लगती है। हाँ, थोड़ा सा स्मेल आ रही है, समुद्र बहुत पास, और यहाँ पे ना बहुत ह्यूमिड हो रखा है क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा गीले हाथ लग रहे हैं। वैसे वेदर तो मुझे अभी ठीक ही लग रहा है, शाम है पर दोपहर में बहुत गर्मी होने वाली है। चलो देखते हैं, वैसे कोशिश करेंगे नहीं निकले ज़्यादा गर्मी में, बहुत से ऑब्वियसली नहीं निकलेंगे, देखते हैं। बाकी आइटनरी तो मैंने बना ही दी है, बोलती रहेगी, तारीफें करती रहेगी अपनी, क्योंकि ये सच है। तो मैं भैया ठीक है, चलो किधर खड़ी है, उस तरफ। चलो 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 चलो, और हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए, ठीक है, मोहित गाड़ी की वीडियो बना रहा है, ठीक है, वाओ ट्रेन, अबे सही है यार, कितने टाइम बाद देखी मैंने। आपके गांव में तो होती है? पहली बात तो गांव में ट्रेन्स नहीं होती है, गई। अबे सही है, रेलवे स्टेशन था यहाँ पे, दिख भी नहीं रहा था। तो गाइज ये रही हमारी गाड़ी, ठीक है, नई बलेनो मिली है हमें, और हमने इसकी वीडियो वगैरह बना ली, क्योंकि जब भी आप गाड़ी रेंट करते हो आपको वीडियो बनानी पड़ती है, तो हमने हर एंगल से वीडियो बना ली है। वैसे भैया ने बोला टेंशन वाली बात नहीं है, मेरी खुद की गाड़ी है जो भैया देने आए थे, अंदर से भी सही लग रही है, स्क्रीन वगैरह भी है इसमें, तो स्क्रीन देख के मोहित खुश हो गया, बढ़िया है। ये जो बुकिंग करी है ये हमने करी है लो कार से। हम चले गाइज यहाँ से, हम जा रहे हैं नॉर्थ गोवा, हमारी बुकिंग है, तो वो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटा हमें लग जाएगा। भाई इतनी बड़ी स्क्रीन दे रखी गाड़ी में, अभी भी फोन से देख रहा है भाई, इसमें इसमें सेटिंग करके लगाते हैं यार, मेरे को नहीं आता, होम पे जाओ, शिट रेडियो चल गया, रेडियो पॉज, खराब कर दिया, अरे ऐसे होता है, गुड बैक, अब इसमें मैप है ही नहीं ना, इनबिल्ट मैप है यार, कनेक्ट करके लगाना पड़ेगा ब्लूटूथ से। अरे बस स्विच पर, खुद को आता नहीं है यार, मेरे को आता है, इतनी बड़ी स्क्रीन दे रखी है, यहाँ पे मैप देखना चाहिए आपको, ना कि अपने फोन में। ये पुल अभी इतना लाइट वाइट नहीं है इसमें, बट सामने से बहुत प्यारा दिख रहा है, ये अपने दोस्तों को बुद्धू बनाएगा, कहेगा कि मैं जापान में हूँ। मैंने भाई अर्जुन को बोला हुआ है कि मैं जापान में हूँ, और वो माना हुआ है, तो ये पुल की डाल दूंगी मैं जापान में हूँ, मान भी जाएगा, मान जाएगा। मैंने बोला मैंने 100 येन रखे हुए, तो कह रहा थैंक्स भाई, तो गूगल पे देखा 100 येन कितने होते हैं, देखा 50-60 रुपए, फिर गाली दे रहा था। तो भाई अब हम पहुंच चुके हैं अपने पहले होटल में, जिसका नाम है द पार्क, और बहुत ही ज़्यादा भाई प्रीमियम वाइब है यहाँ की, हिमालय का गुड गुड फाइंड गुड बुकिंग। ओ बाय गाइस, द रूम लुक्स प्रीटी सिक, सोफा बैठने के लिए, पूरा मिनी बार, और यहाँ पे मैं, कॉफ़ी एंड एवरीथिंग, पानी, टीवी, क्या कर रहे हो आप, अबे बेड का है, इतना सही रूम है नहीं। यहाँ पे एक सीक्रेट दरवाजा है, एंड द मेन रूम इज राइट हियर, लोगों ने सजा के रखा है इन सब ने, थैंक यू सो मच गाइस, अच्छा लग रहा है, वेलकम टू द पार्क। और ये पेस्ट्रीज वगैरह चॉकलेट्स वगैरह हैं, ठीक है, यहाँ पे गुड्डा है एक गुड्डा, ठीक है, ओए ये भी है, ये बाथरूम है, यहाँ पे सामान रख सकते हैं, बाथटब तो दिखाओ यार। ओ भाई यहाँ पे बाथटब भी है बाथरूम में, अमीरों की चीजें। यहाँ पे मैं हूँ, व्हाट्सअप, वॉशरूम, यहाँ पे शावर भी ले सकते हैं, तो बाथटब सीन्स मेरे डन है पूरे यहाँ पे। ऐसे बाथटब में आप कभी नहीं आओगे पूरी जिंदगी में, नहीं मेरा बाथटब सीन्स है, लेके आई हूँ, मैंने कहा था मेरी आइटनरी बहुत अच्छी होती है, तो कभी भी किसी को बुकिंग करवानी हो मुझसे पूछ लेना। अब वो दलाल दलाल भाई कैसे तमीज से खा रही है ये, वैसे भाई जाहिल लोग तरह खाती है, मैंने देखा इसको एक बार, अच्छा स्कूटी में ही होता है कि कहीं भी पार्क कर लो, जब मैं लास्ट टाइम आया था ना, तो हमने बाइक और स्कूटी ली थी, वहां कहीं भी पार्क कर लो, बिल्कुल बीच के साथ में जाके पार्क कर लो। मैं बताऊं क्या बताऊं, स्कूटी बहुत रिस्की है इस टाइम में ना, हमारे मेरे एक दोस्त था बसरा, उसके ऊपर अटैक हो गया था, एक फिशर, हाँ एक फिशरमैन था शराबी, तो उसने अटैक किया, शराबी था साइको, तो वो थोड़ा सा ये स्कूटी में, गाड़ी थोड़ी सेफ है, थोड़ी सी गर्मी सी लग रही है ना, हाँ गर्मी लग रही है, आपको देखिए कुत्ते भौंकने भी लगते हैं, क्या राज है इस बार, वो तो बहुत सारे हैं कुत्ते, मेरे को देख के भौंकते, क्योंकि कह रहे किंग आ गए, अबे सब नहीं आ रहे गाइस। अभी हम बागा बीच के जस्ट साथ में, ये देखो वाइब बीच साइड शैक्स में कैसी है, थोड़ा सा खाली सा लग रहा है, ज़्यादा लोग हैं नहीं, पर बहुत सुंदर लग रहा है,
परी हूँ मैं। मैं खड़ा हूँ तो मैं भी परा बन जाऊंगा। गंदे लगोगे आप, हप्शी परा। गैस क्या मैं परा लग रहा हूँ? गंदा परा हूँ मैं। गाली मेरी चीज़। परा हूँ मैं। क्या कर रहे हैं पागल? यार इतना अच्छा लग रहा है रेत में। आपके ऊपर फेंक दूँ रेत? नहीं। क्यों? वो ये बीच तो नहीं है। ऊपर कितना सही लग रहा है। बीच ही तो है। Dude, this is not beach. What is this? ये छोटा हो गया है वहाँ जाके। अबे किनारा है। वो देखो वहाँ पे किनारा हो रहा है। Yeah. Right पे किनारा है उसका। Guys, हम किनारे पे हैं। किराना कह रहे हैं, किराना स्टोर कह रहे हैं, हम किराना स्टोर पे हैं। अबे यार ये कैसी लड़की है, किसी साथ में घुमा गया हूँ। अच्छा चप्पल उतार दी आपने? चप्पल तो उतारो यार, चप्पल बह जाएगी। यार ऐसे तो जेलीफिश आ जाएगी। जेलीफिश? हाँ। खा लूंगा, प्रोटीन होता उसमें। छी, गरम है पानी? गरम नहीं है पर बहुत ठंडा भी नहीं है। हाँ नॉर्मल है। आगे चलते हैं। चलो आगे ना, गार्ड आ जाएगा, बोलेगा भाई क्या करने लग रहे हो। गार्ड भी है तो बैठे नहीं है। जाट है गार्ड? गार्ड भी है, जाट है। ओ अच्छा, पता क्या करने लग रहे हो। चलो डांस करना है। डांस करना है। देसी गर्ल पे करते हैं। देसी गर्ल, वो साली देसी गर्ल। साली देसी गर्ल? अब देसी गर्ल हरियाणवी, हरियाणवी है ना, उसमें साली बोलते हैं। हरियाणवी में साली बोलते हैं देसी गर्ल को? अरे इस गाने में। अच्छा। और देसी गर्ल, वो छड़ी वाली देसी गर्ल। दिस इज बागा बीच। सबसे लंड बीच में से यही होता है। क्यों? सबसे ज्यादा क्राउडेड। पर क्राउडेड तो बिल्कुल नहीं है। अरे वैसे ओ ये मेरी तरफ आ रहा पानी। ये क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं होता मून वॉक। मत कर, मेरे गिर कपड़े गंदे हो जाएंगे प्लीज। अब मेरे नहीं होंगे टांगे गंदी। टांगे तो चलती हैं। ये लो चाट के साफ कर दो। चल। इयू मेरे जांघों में मिट्टी लग गई। साउथ दिल्ली की लड़की की वो देख लो, लिंगो देख लो इसकी। लिंगो। अभी हमें वहां से यहाँ चार कदम हुए थे और इस बंदे के पसीने निकल गए। इसका बुढ़ापा देख लो कैसे झलक रहा है, टपक रहा है। बुढ़ापे की बात नहीं, गर्मी है यहाँ पे। तुम तो मेरे क्यों नहीं आ रहा? मेरे क्यों नहीं आ रहा, रीजन बता दो। मुस्कुराओ बंद नीचे देख के। मेरे क्यों नहीं आ रहा? अबे मेरे को आता है जनरली पसीना भाई। चमक रहा है इसको पसीना। चमक रहा है, टपक रहा है, चमक रहा है, देख लो भाई। यार मेरे को थोड़ा एथलीट इंसान हूं, थोड़ा आता है पसीना। एथलीट हो इसलिए तो नहीं आना चाहिए, आप पसीना बहा के आए हो पहले से। पसीना आना अच्छी बात होती है, पता है आपको। चार कदम चला है रेत पे और मुझे कह रहा पकड़ो मैं गिर जाऊंगा। ये नहीं बोला, ऐड मत करो, झूठ मत बोलो आप। गिर रहा था मेरे ऊपर। तो गाइस सीन ऐसा कि मेरा तो चिकन खाने का मन था, ठीक है, बट हिमालिका इज अ वेजिटेरियन तो कॉम्प्रोमाइज आपको पता ही है, मेरा ही रहता है हमेशा से कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पे गोवा में सी फूड मिलता है जो कि इसको पसंद नहीं है, क्रैब्स वगैरह, चिकन वगैरह भी तो मिलता है। पॉन्स बोलू, प्रॉन्स। तो चिकन भी तो मिलता है भाई। चिकन भी मिलता है पर यहाँ का चिकन अच्छा नहीं होता। नहीं सही होता है, बट हम वेज पिज्जा खा रहे हैं, मार्गरीटा पिज्जा। आज मैं कॉम्प्रो कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कल मैं चिकन खाऊंगा, पहले ही बोल रहा हूँ यार, मेरा मन है चिकन खाने का। पिज्जा सीन्स, पिज्जा सीन्स। अरे तो बहुत गर्म है। ओह मैं नहीं खा रहा। गाइस जब हम आ रहे थे यहाँ पे तब मेरा मजाक उड़ा रही थी कि मेरे से चला नहीं जा रहा, मैं थक गया। अब देख लो इससे चला नहीं जा रहा, हम रेत में धस चुके हैं, इसके पैर जल्दी बुढ़ापा चढ़ गया इसके सर पे, और मेरे पास देखो कितना सारा सामान है, और इसको मैंने बस एक बॉटल पकड़ाई है। वही लाइट चली गई, वही लाइट चली गई। आप क्लास में चलाते थे ना ऐसे, जो लाइट चली जाती थी। हाँ भाई एकदम से लाइट चली गई सारी। ओ वहाँ पे कुछ नाइस ब्रो, ओए 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 देख, वो देखो वहाँ पे लाइट है, सिर्फ वहाँ पे लाइट है, जहाँ पे हमारे कदम पड़े वहाँ पे लाइट गायब हो गई। शिट यस ब्रो, लगता है आपके अंदर वो है, क्या कहते हैं उनको, जिन। भाई मत बोलो यार, खतरनाक लगता है मेरे को जिन। वो खतरनाक तो होते हैं, एक्चुअली सारे भूत खतरनाक होते हैं, सिर्फ जिन की बात नहीं है यहाँ पे।